हर महीने मैं घर जाता था, पूछता था, बात करता था जितने लोगों से हो सके, खासकर वो भी केवल घर के अंदर और एक से एक या दो लोग। ऐसा भी नहीं कि मैंने 10 जनों को या दोस्तों को भी बता दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ओपिनियन आती है जो वो सब अपन को जो सोचना होता है, अपन को करना होता है, वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है। अल्टीमेटली जो आपको अंदर से चाहिए वो आपको ही पता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लोज वंस हैं, आपकी फैमिली है, वही आपको बता सकते हैं, वही लोग हैं जो आपको सही एडवाइस देंगे, बाकी तो उनके हिसाब से जो सही है वो बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं लोगों से पूछता हूँ। फिर सोच समझ के मैंने डिसाइड करा, बताया कि सब जगह पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कि तुम सिविल सर्विसेज में भी आओगे तो ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा होगा, इश्यूज़ होंगे, लोगों को ट्रांसफ़र का बहुत टेंशन रहता है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, या लोगों को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि हर जगह पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं, सिविल सर्विसेज में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है सब कुछ गंदा होगा। अगर तुम जहाँ सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, जो काम करके तुम अच्छा काम करना चाहते हो, वो ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। तो इसका मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा ही ढूंढूंगा तो मेरे को अच्छा ही मिल जाएगी, बट अगर मैं केवल बुराई ढूंढूंगा उस चीज़ के अंदर तो मेरे को बुराई भी मिल जाएगी। और अगर मैं प्राइवेट जॉब कंटिन्यू करता हूँ तो वहाँ पे भी है कि ठीक है, मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, मैं महंगी कार खरीद ली, कर लिया, जो करना है मैं कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम जो सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, वो वहाँ पे नहीं मिलता है। मैं बैंगलोर में हूँ, वहाँ पे ट्रैफिक में फंस रहा हूँ, तो पता है कि वो भी नेगेटिव ही हुआ उस जॉब का। तो मुझे वो मैंने जब कंपेयर करा दोनों चीज़ों को, तब मैंने सोचा नहीं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे। फिर मैंने मेरी जॉब छोड़ी, मई 2017 में मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी। उसके बाद में मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ये एग्ज़ाम मेरा 1 साल का या मेरा 1.5 साल का टाइम